सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम्स रेसिपीज एट द रेट 12। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत अमेजिंग सी ब्रेड की एक नई रेसिपी। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और खाने में तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालना है 3 चम्मच बेसन और फिर उसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। जब तक मैं इसका बैटर बना रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, देखिए हमारा बैटर बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बॉयल्ड पोटैटोज, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे भी हम इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बैटर रेडी है। अब इसमें कुछ वेजीज ऐड कर देते हैं कलर के लिए, जैसे कि थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी अनियन, ठीक है, इन सबको मिला देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का टेस्ट कलर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो देखिए अब हमारा ये बैटर पूरी तरीके से बनकर रेडी है। ओके, अब हम लेंगे एक पैन, इसे चढ़ाएंगे इंडक्शन पर और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कुकिंग ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। अब हम इस पर ब्रेड को इस तरीके से रख देंगे। इस ब्रेड को मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। आप भी इसे ट्रायंगल्स में कट करके राउंड तरीके से पैन पर रख दीजिएगा। ओके, और फिर हमने बेसन का जो बैटर बनाया था उसे हम इस पर डाल देंगे, ठीक है, और इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से फैला देंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि कि हमारा ब्रेड जो है वो आपस में स्टिक हो जाए। ओके, बैटर को आप ध्यान रखें थिक रखिएगा, अगर ये बैटर पतला रहा तो आपका जो ब्रेड है वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर से गार्निश करेंगे इसे थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी अनियन, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी धनिया पत्ती और हल्की सी चिली फ्लेक्स। देखिए अब ये हो चुकी है रेडी एक साइड से। अब हम इसे टर्न कर देंगे। टर्न करना काफ़ी सिंपल है, आप इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिएगा और फिर प्लेट को पलट दीजिएगा, तो देखिए ये पलट चुका है, ठीक है, और देखिए ये एक साइड से सिक चुका है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आपको जो भी चीज़ यूज़ करना है आप वो ले सकते हैं। और सबसे एंड में हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। तो देखिए ये पूरी तरीके से रेडी है। इसे हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। देखिए चीज़ अब मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमारे ये स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, अब जो भी बोले वो रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे पहले कि ठंडा हो जाए मैं आपको इसका चीज़ पुल दिखा देती हूँ। देखिए ये बहुत ही अमेजिंग बना है। ये बहुत गर्म है इसलिए मैं थोड़ा पक रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत 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 पसंद आएगी। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब कुछ टेस्टी बनाऊँ तो आपके घर ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।